हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आ चुका है इंडियन बाइक्स एंड कार्स ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट। और ये अपडेट काफी अच्छा अपडेट आया है, क्योंकि इस गेम के न्यू अपडेट में इस गेम के अंदर काफी अच्छी न्यू कार ऐड हुई। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी नई कार ऐड हुई है और कैसे मिलेगी, और गेम के न्यू अपडेट में गेम के अंदर क्या कुछ चेंजेस मिलने लगा है। तो चलिए इस वीडियो में इसी सबके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और अभी तक आपने सिवा गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर जो आइकन है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और ये गेम बहुत ही धांसू गेम है, क्योंकि इस गेम के अंदर कई इंडियन कार्स मिल जाती हैं, बाइक्स भी बहुत ही अच्छी अच्छी मिल जाती हैं, और इस गेम के अंदर ताजमहल भी मिल जाता है देखने के लिए। काफी अच्छा ताजमहल मिल जाता है, और इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि गेम के न्यू अपडेट में जो नई कार ऐड हुई है कौन सी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस गेम के न्यू अपडेट में जो नई कार ऐड हुई है मारुति की वैगनआर। और इस गेम के अंदर वैगनआर कार चलाने के लिए आपको कार्स एंड बाइक्स के नाम के लिस्ट के सबसे नीचे जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो आपको वैगनआर नाम मिल जाएगा, और नाम के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मारुति की वैगनआर कार आ जाएगी। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, तो आप लोग भी ऐसे करिएगा तो आपके गेम के अंदर भी वैगनआर कार आ जाएगी। और चलिए चलाते हैं वैगनआर कार को, देखते हैं कैसी चलती है वैगनआर कार इस गेम के अंदर। और इस गेम के अंदर वैगनआर कार काफी अच्छी दिखाई दे रही है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस गेम के न्यू अपडेट में जो वैगनआर कार ऐड हुई है तो कैसी दिखाई दे रही है, यानी कि आपको कैसी लग रही है। चलिए चलाते हैं वैगनआर कार को, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी कार को। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि वैगनआर कार बहुत ही अच्छे तरीके चल रही है, और साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी सुनाई दे रही है, और कार के कंट्रोलर्स बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। और इस अपडेट में गेम के कंट्रोलर्स को भी फिक्स किया गया है, और गेम के इस अपडेट में गेम के बग को भी फिक्स किया गया है, यानी कि इस अपडेट में गेम बहुत ही अच्छे तरीके चल रहा है। और अभी तक आपने इस गेम को अपडेट नहीं किया है तो जाकर जल्दी से अपडेट कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा।